बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आप साथ में, आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। भाई जो वीकली रिपोर्ट आती है वजारत खारजिया की तरफ से, यानी कि इस एक हफ्ते में कितने बंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है जिनमें इकामा, गैर कानूनी तरीके से इंटर होने वाले या निकलने वाले और मुखालफ निज़ाम अमल, यानी कि महीना कुछ और काम कुछ और, ये रिपोर्ट जो आती है वीकली आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। और आज भी यहाँ पर आ चुकी है, मैं आप भाई के साथ शेयर कर देता हूँ, यानी कि आपको दिखा देता हूँ। इसमें एक दो बातें मैं आपको बताऊँगा जो कि मैं नोट कर रहा हूँ। जो हालिया ही ऐलान किया गया है कि कोई भी ऐसा बंदा जो खुद का बल्दिया की परमिशन वगैरह के अलावा महीना अपना कुछ और है, इसके अलावा खुद से चोरी से कारोबार कर रहा है, तो उसके ऊपर भाई 50,000 का फाइन और 2 साल की उसको कैद है। ठीक है जी, इस चीज के बाद सऊदी अरब में सख्ती मजीद बढ़ा दी गई है और जद्दा में सख्ती अभी काफी ज्यादा चल रही है। उसके मुतालिक मैं आपके साथ एक वीडियो अलहदा से शेयर कर दूंगा और काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी उस वीडियो से। अभी आज की न्यूज के ऊपर बात कर लेते हैं। मैं यहां पर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर भाई ये अभी दिखा भी रखा हूं, आप देखते जाइए, मैं आपको पढ़कर भी सुनाता जाऊंगा। 16,550 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं जी इस गुजरे हुए एक वीक के अंदर टोटल। ठीक है जी, जिनमें मुखालफा निज़ाम इकामा, ठीक है, जिन बंदों के इकामे एक्सपायर थे या वो महरूक था मतलूब थे, वो तमाम तर बंदे इसी में, यानी कि जिनके पास इकामे तो मौजूद थे लेकिन इकामे एक्सपायर थे। ठीक है, इनमें साहिक खास और साहिक मंजली भी आ जाते हैं अगर वो भी इनमें पकड़े जाएं कुछ और काम करते हुए। तो उनमें भाई 7,318 अफराद हैं जी, ये कितने हैं जी 7,318। इस चीज के ऊपर थोड़ा गौर कीजिएगा, मैं आगे आपको बताने भी वाला हूं। अच्छा, आगे लिखा हुआ है मुखालफा निज़ाम अमन अल हदूद, जो गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब में इंटर होते हैं जी, इनकी तादाद क्या है जी 7,190। ठीक है जी, 7,318 और 7,190। इसके आगे लिखा हुआ है मुखालफा निज़ाम अल अमल, इसमें भाई आते हैं 2,042 अफराद। अच्छा, मुखालफा निज़ाम अल अमल के मुतलक अगर बात करें, इसमें भाई साहिक खास, साहिक मंजली या कोई भी ऐसा महीने वाला बंदा है जो जिसका महीना कुछ और है, कंपनी में काम करता है, वहां से कंपनी से कहीं और गया हुआ है, वहां पर काम कर रखा है, या साहिक खास है, कफील दमाम का है, काम रियाज में कर रहा है, कफील जद्दा का है, काम बरीतल कसीम में कर रहा है और काम भी खजूरों कर रहा है, या मिस्त्री के पीछे काम कर रहा है, साहिक मंजली के मुतलक भी ऐसा ही है। तो ये बंदे भाई इस जुमरे में आते हैं, यानी कि जिनके महीने कुछ और काम कुछ और, वो भी 2,042 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी जो मैं चीज आपको बताने वाला हूं इसके ऊपर नजर रखें, वो है जी मुखालफा निजाम अल इकामा। यहां पर आपको मैं दिखा रहा हूं, देखिए 7,318 अफराद, आगे लिखा है मुखालफा निजाम अमन अल हदूद 7,190 अफराद। ये जो मुखालफा निजाम अमन अल हदूद था ना, ये अगर आज से 2-3 हफ्ते पीछे चले जाएं तो ये भाई 7,000-8,000-9,000 था, और मुखालफा निजाम जो इकामा है वो 5-6,000 बंदे आते, यानी कि 2-3,000 का इन दोनों में डिफरेंट होता था। अभी की जो सख्ती चल रही है और इस सख्ती के मुतल्लिक मैं आपके साथ, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ जद्दा से, मैं आपको वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा जल्द। भाई अभी जो सख्ती चल रही है और इसके चलते हुए देख लें, ये इकामा एक्सपायर वाले बंदों की तादाद मुखालफा निज़ाम इकामा 7,318 और मुखालफा निज़ाम अमन अल हदूद 7,190 के, जिन बंदों के इकामे एक्सपायर हैं हरूब मतलूब वाले, उनकी तादाद भाई जो गैर कानूनी तरीके से इंटर होते हैं उनसे बढ़ चुकी है। क्यों? उनकी पकड़ ज्यादा हो रखी है, अभी पकड़ ज्यादा हो रखी है, अभी सख्ती ज्यादा हो चुकी है। तो अगर इकामा एक्सपायर है तो एहतियात करें, इसको रिन्यू करें, अगर आप साहिक मंजिली या साहिक खास हैं तो फिर भी एहतियात करें भाई। ये आपको पता है ये भी जो सख्ती के तरह सूरत चल रही है सऊदी अरबिया में, और अगर खुद से आप कोई भी कारोबार वगैरह करते हैं, चाहे ठेला वगैरह ही क्यों नहीं लगाते हैं, तो उससे भी परहेज करें, यही आपके लिए बेस्ट है। बाकी आप भाइयों ने इसके मतलब कोई भी और न्यूज़ जाननी हो, कोई और बात के मतलब पता करना हो, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।